हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी जो हम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं अमलगमेशन का, तो जिसमें लेजर बनाना है ना, तो फिर अपने को टेबल दिया रहेगा लाइबिलिटी एसेट्स। विक्रांत की कंपनी, उसको विराट कंपनी लेके जा रहा है, तो कुछ एडजस्टमेंट दिया है। तो पहले बिजनेस, सॉरी, परचेस कंसेशन सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? मतलब कितने रुपए का खरीदा, तो किसको किससे माइनस करना है, एसेट्स और लाइबिलिटी को माइनस करना है। तो उसके पहले ना, पहले आपको कॉलम बनाना था, रियलाइजेशन अकाउंट। ये जो फॉर्म ये बनता है ना लेजर, ये विक्रांत ओल्ड फॉर्म के बुक में बनेगा। किसके बुक में बनेगा? ओल्ड फॉर्म के। तो रियलाइजेशन अकाउंट लिखने का, इसके नीचे बनाने का कैपिटल अकाउंट, मतलब शेयर होल्डर अकाउंट, और नया कंपनी का नाम क्या है? विराट। ये एक पेज पे तीन बनाने का। और क्या पे कर रहे हैं ना, क्या अपन पे कर रहे हैं ना, वो इधर लिखने का। इक्विटी शेयर दे रहे बैंक, मतलब ये क्यों लिखा इक्विटी शेयर्स और बैंक, इधर दिया है। उन लोग परचेस कंसेशन कैसे सेटल किया? कैश और शेयर, इसलिए क्या लिखा? कैश और शेयर। बैंक मतलब कैश होता है, बैंक बोलो तो क्या होता है? कैश। तो एक काम करो, पीसी बनाने से पहले ना, पहले सम की पोस्टिंग कर लो, एटलीस्ट थोड़ा तो मार्क्स मिल जाएगा। फिर पूरा सम तो सॉल्व कर रही है। ये एसेट्स दिख रहा है? एसेट्स, एसेट्स को कहाँ लिखने का? डेबिट में। एसेट्स को कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। तो हाँ, डेबिट में एसेट कहाँ जाएगा? डेबिट में। तो इनटेंजिबल एसेट दिया, क्या दिया है? इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट के बाद क्या बोला है? फिक्स एसेट, करंट एसेट। क्या दिया है? करंट एसेट। जब भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे ना, तो अपने को टेबल का वैल्यू लेना है। किसका लेना है? टेबल का। 50, 4 लाख 20, 50 है, 4 लाख 20 है, और 1 लाख 10 है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस को फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट। इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको शेयर होल्डर के डेबिट में डालेंगे। क्या डालेंगे? शेयर होल्डर के डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस आया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, वो यहाँ डाल देंगे। ये इन लोग का लॉस होता है। क्या होता है इन लोग का? लॉस। तो कितना दिया है प्रॉफिट एंड लॉस? 80,000, इसको डेबिट में डाल दिया। फिर इसके बाद हम लोग कहाँ का पोस्टिंग करें? लाइबिलिटीज में। तो अगर एसेट्स को डेबिट में डाला ना, तो लाइबिलिटीज को किधर डालेंगे? क्रेडिट में। तो लाइबिलिटीज में क्या क्या है? क्रेडिटर और डिबेंचर। क्या दिया है? क्रेडिटर और डिबेंचर। तो कुछ वैल्यू नहीं बोला है, कम ज्यादा, इसलिए सेम टेबल का ही कॉपी करने का रहता है रियलाइजेशन में। तो डिबेंचर की वैल्यू है 1 लाख, और क्रेडिटर कितना है? 50। इधर लिख दो, 1 लाख लिख दिया, 50,000 लिख दिया। तो एसेट्स को डेबिट में ट्रांसफर करने का, लाइबिलिटीज को क्रेडिट में ट्रांसफर करने का। फिर उसके बाद इधर देखो ना, क्या दिया? शेयर कैपिटल दिया और स्टैंडर्ड रिजर्व दिया। तो ये शेयर कैपिटल स्टैंडर्ड रिजर्व किसका होता मालूम है क्या? शेयर होल्डर को होता है। इसलिए उसको किधर डालेंगे? क्रेडिट, क्योंकि लाइबिलिटी में दिया ना। एसेट वाला किधर आता है? डेबिट। लाइबिलिटी वाला क्रेडिट। इधर लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे? बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। और स्टैंडर्ड रिजर्व, जनरल रिजर्व, सब इधर ही आएगा ना। तो कितना दिया है? 5 लाख और 10,000। इधर लिखेंगे 5 लाख, इधर लिखेंगे 10,000। तो ये हो गया तुम्हारा सिंपल पोस्टिंग। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? विराट किसको खरीद रहा है मालूम है क्या? विक्रांत को खरीद रहा है। तो अपने को पीसी निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? जो अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया, पर एंट्री लिख सकते हैं ना, रियलाइजेशन टू विराट। क्या लिखेंगे? विराट के डेबिट में आएगा रियलाइजेशन। विराट का किधर आएगा? डेबिट में आएगा, और रिलेशन के क्रेडिट में आएगा। तो ऐसा वाला इफेक्ट याद करने का, ऐसा इधर और इधर, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। क्या आएगा? जो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते भी, तो सॉल्व करने के लिए पहले एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि एसेट्स ऑफ विराट, जो भी एसेट है, आर टू बी कंसिडर वर्थ टू बी 5 लाख। एसेट मतलब ये सब तीनों, ये नहीं लिया जाता, ठीक है। तो एसेट्स की वैल्यू कितनी दी है उसकी? पूरी एसेट की वैल्यू 5 लाख। तो एसेट के जगह कितना डाल देंगे? 5 लाख। पूरी एसेट्स की वैल्यू दी है भाई, पूरी एसेट्स की वैल्यू दी है। और कर्जा क्या है? क्रेडिटर्स और डिबेंचर, उसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया है। तो जब एडजस्टमेंट नहीं दिया तो क्या लेंगे? टेबल। तो क्या दिया? डिबेंचर्स 1 लाख और क्रेडिटर 50। ये 1 लाख है, ये 50 है। तो कर्जा कितना हो गया? 1.5 लाख। अभी दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे ना। तो 3.5 लाख का खरीदा। कितने का खरीदा? 3.5 लाख का परचेज कंसिडरेशन, जिसमें पीसी एकदम आसान दे दिया, राइट। तो पीसी कितने का खरीदा उन लोगों को? 3.5 लाख। वो 3.5 लाख का इफेक्ट आप दे सकते हैं ना इधर ऐसा। तो विराट के डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन। कितने का खरीदा माने? 3.5 लाख। और दूसरा पे किधर आएगा? क्रेडिट में। किधर आ जाएगा? इधर भी लिखेंगे 3.5 लाख। सिंपल। किसका अमाउंट है? पीसी का अमाउंट है। अब पीसी का अमाउंट कैसे पे किया? इधर कुछ बोला है, इधर बोला है परचेस प्राइस इज टू बी पेड। परचेस मतलब पीसी का प्राइस। वन क्वार्टर कैश बोला, अनबैलेंस शेयर, मतलब उन लोग क्या दे रहे हैं? कैश भी दे रहे हैं और शेयर भी दे रहे हैं। तो इधर लिख देता हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या लिख दिया इधर? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स इन विराट। और क्या दे रहा है? कैश। क्या दे रहा है?
कैश, बट कितना दिया है वो नहीं समझ में आ रहा है। उधर बोला है क्या बोला है, वन क्वार्टर, क्या बोला है, वन क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है वन क्वार्टर बोले तो फोर, मतलब 25% कितना होता है, तो बैलेंस कितना बचेगा, थ्री फोर्थ, कितना बचेगा, दैट इज 74%। हाँ, थ्री फोर बचेगा, देखना चार है ना, चार को नीचे लिखने का, चार में से क्या दो तीन, मतलब ये 25% है तो बचेगा कितना, 75। 100 रुपये में तो को 25 दिया तो 75 दूसरा हो जाएगा। तो शेयर्स कितना दिया, 3/4 कितना दिया, और कैश 1/4, 1/4 को क्या बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, 75। टोटल कितना रुपया देने का था अपने को, 3.5 लाख। टोटल कितना देने का, मतलब अपने को 3.5 लाख देना है ना। उन्होंने बोला कैश वन क्वार्टर बोला, वन क्वार्टर को बोलते हैं 25%। तो 100 में 25% अगर कैश है तो बैलेंस कितना होगा तेरा, 75%। तो किसका निकाल लेगा 1/4, 3.5 लाख का, 3.5 लाख के नहीं, 1/4 मतलब इंटू 1 करेगा, डिवाइड बाय 4 करेगा ना यार, तो कितना है, 87,500 क्या है वो, कैश आ गया, क्या आ गया। तो शेयर्स कैसे निकाल देते, इसको से माइनस करेगा तो भी शेयर्स ही आएगा ना, या इसके ऊपर 75% निकालेगा तो भी सेम आएगा। तो 3.5 लाख से माइनस कर दिया तो आया 2,62,500। सिंपल। तो कंपनी ने क्या किया, उसको परचेस किया ना, कितना दिया, 3.5 लाख अमाउंट, कितना दिया, 3.5 लाख। तो शेयर से कितना दिया, शेयर से 2,62,500, और कैश से कितना दिया, 87,500। ये 3.5 लाख का हिसाब टैली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इतना समझा, अभी अभी इसका अकाउंट खोलेंगे हम, किसका अकाउंट खोलेंगे, ये शेयर्स है ना, क्या है, तो इधर शेयर्स का अकाउंट खोला, ये कैश है तो कैश का अकाउंट खोला। तो शेयर्स किधर है देखो, क्रेडिट में, तो उसको किधर डालेंगे अपन, डेबिट में डालेंगे। हाँ, तो विराट लिमिटेड, तो कितने का था, 2,62,500 इधर लिख दिया, सिंपल। फिर इधर कैश दिया ना उसको, क्रेडिट है ना, तो इधर आ जाएगा डेबिट। किसने दिया कैश, विराट ने, कितना कैश दिया इसको, 87,500। तो पीसी खरीदा, मतलब बिजनेस परचेस किया 3.5 लाख का, वो 3.5 लाख का अदायगी कैसे हुई, शेयर्स और कैश से, ये क्रेडिट है तो डेबिट है, ये भी क्रेडिट है तो डेबिट है, विराट से आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा सिंपल पोस्टिंग। फिर एडजस्टमेंट में देखते क्या बोला गया, अभी एडजस्टमेंट में बोला है, विराट एग्री टू टेक ओवर एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट बोला 5 लाख, 1/4 कैश बोला, बाकी का बैलेंस शेयर्स में बोला हो गया। अभी इधर एक्सपेंस बोला, क्या बोला, एक्सपेंस मतलब बिजनेस को बेचने का खर्चा हुआ 300 रुपये, कितना रुपया हुआ, 300। तो ये 300 रुपये क्या करना पड़ेगा, मतलब एक्सपेंस हो रहा है तो एक्सपेंस को डेबिट में डालेंगे, किधर डालेंगे, डेबिट में। इधर लिखेंगे 2 कैश में, क्या लिखेंगे, 2 क्योंकि एक्सपेंस तो पैसा जा रहा है ना, तो डेबिट में डाला 300। सिंपल। किधर डाला, क्यों लिखा इधर, क्योंकि पैसा जा रहा है, राइट। अभी डेबिट से किधर आएगा, क्रेडिट में। डेबिट से किधर आएगा, क्रेडिट, कहाँ से आया, इधर लिख देंगे 300, राइट। देखो इधर ना इनके पास कैश नहीं दिया, इधर कैश दिया क्या, कभी कभी कैश दिया इधर, तू उसको यहाँ लिखते टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिखते हैं, डेबिट में लिखते, क्या लिखते हैं, टू बैलेंस इफ रहता था। तो कैश है क्या उनके पास, नहीं, झोली खाली थी। फिर बिजनेस बेचते हुए उन लोग को कैश मिला, कितना मिला, 87,500। उसमें तो खर्चा कितना हुआ, 300। खर्चा कितना हुआ, 300, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया सम की पोस्टिंग, बाकी कुछ लेन देन नहीं करने का था, सिर्फ वैल्यू चेंज करने का था, डिबेंचर भी भर दिया, परचेस था, लेजर बनाने का है, ओपनिंग एंट्री भी पास करने का, ठीक है, एंट्री भी पास कर देंगे, एंट्री भी पास कर देंगे, तब इसको बैलेंस कर देंगे। हाँ, लेजर पूछा रहेगा तो तू लेजर बनाएगा ना, अभी लेजर भी पूछा, दो एंट्री भी पूछा है, लेजर भी पूछा और दो एंट्री भी, दो भी कर देते अपन। चलो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, क्या करेंगे, पहले कैश बैंक को क्लोज करो, किसको क्लोज करो, कैश बैंक को। तो ये 87,500 है, कितना ये, दोनों तरफ लिखो, उसमें से 300 क्या कर देगा, माइनस कर देगा, 87,200 आएगा। तो जो भी बैलेंस आएगा इधर ट्रांसफर करना है, किधर ट्रांसफर करना है, इक्विटी शेयर होल्डर, जैसे लिखिएगा इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी, ये किधर आया भाई, क्रेडिट, किधर आया, तो क्रेडिट से किधर आ जाएगा, डेबिट में आएगा। कहाँ से आया, कैश बैंक टू कैश बैंक, कितना आया, 87,200। तो इसको ट्रांसफर करके इधर पटक दिया, हाँ साहिब, अभी क्या इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कितना है, इक्विटी शेयर इन विराट 2,62,500, कुछ है क्या इधर, नहीं, तो उसको बैलेंस करो, 2,62,500
तो बचेगा भी इतना ना 2,62,500। ये किधर जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर। किधर जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर कितना जाएगा? क्रेडिट है ना ये, किधर है ये? क्रेडिट। किधर आ जाएगा? डेबिट में आएगा। कहाँ से आया? इन विराट। विराट से आया ना भाई? हाँ। विराट कंपनी ने दिया। सिंपल। फिर रियलाइजेशन को क्लोज करेंगे किसको? तो ये नॉमिनल अकाउंट है। अगर ये डेबिट ज्यादा है तो लॉस, क्रेडिट ज्यादा है तो फायदा। डेबिट ज्यादा है तो लॉस, क्रेडिट है तो फायदा। तो क्रेडिट में कितना दिया? 5,00,000। कितना दिया ये? और ये दिया है कुछ 5,80,000। तो ज्यादा कौन सा होगा, क्रेडिट के डेबिट? डेबिट। तो इधर लिखिएगा 5,80,300। तो उनको लॉस हुआ 80,300 का। कितने का लॉस हुआ? 80,300, क्योंकि ये ज्यादा लिख रहा है ना। तो ये भी लॉस किधर ट्रांसफर करेगा? सबको इधर ही ट्रांसफर करना है, सबको इधर ही भेजना है। इधर लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर। क्या लिखेंगे इधर? इक्विटी शेयर होल्डर। अब ब्रैकेट में लिख दो लॉस। क्या लिख दो? क्रेडिट से किधर आएगा? डेबिट में आएगा। कहाँ से आए? रियलाइजेशन। प्रॉफिट रहता तो बता दो एक सेकेंड ना। ये लॉस हो गया तेरा। अगर ये ज्यादा रहता 6,00,000 और ये 5,00,000, तो 1,00,000 तेरा प्रॉफिट होता। और डेबिट से किधर आता ये? क्रेडिट। डेबिट से किधर आता? क्रेडिट। तो सबको ट्रांसफर कर दिया ना, सबको इधर इंटीग्रेट कर दिया। फिर इसको टैली करो। क्या करो? टैली करेंगे भी तुम्हारा आंसर सेम है। ये 5,10,000 है, कितना है? 5,00,000। इसको भी टैली करेगा तो 5,00,000 कितना आएगा? 10। मतलब हम लोग जीत गए, हो गया सब। ये टैली हुआ मतलब जीत गए। टैली नहीं भी हुआ, पोस्टिंग का मार्क्स मिल गया ना तुमको यार। अब इसमें ना इधर बोला था एंट्री पास करो। क्या पास करो? एंट्रीज। तो 3 एंट्री पास करना पड़ेगा। कितना एंट्री पास करना पड़ेगा? 3। 3 तो बेसिक करना ही पड़ेगा। 3 भी है, रिजर्व भी है, तो सब ट्रांसफर कर दिया। अभी सबसे पहले क्या करेंगे वाले में, क्या आ जाओ बोलो। परचेस टू पार्टी, पहले एंट्री क्या आएगी? परचेस टू पार्टी। परचेस के आगे क्या डालेगा? बिजनेस। बिजनेस और लिक्विडेटर लिखेंगे है ना। पार्टी के आगे क्या डालेंगे? लिक्विडेटर। तो किसका बिजनेस कंगल हो रहा था? विक्रांत का। तो बिजनेस को कितने का खरीदा भाई? 3,50,000। 3,50,000 तो 3,50,000 डेबिट, 3,50,000 क्रेडिट, हो गया ना फर्स्ट एंट्री। फिर दूसरा एंट्री आएगी पीसी की, आएगी ना। एसेट्स को डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे। एसेट्स को डेबिट, तो एसेट्स का वैल्यू कितना है? डायरेक्ट दिया था ना। हाँ डायरेक्ट दिया, ये वैल्यू डायरेक्ट दिया था, 4,20,000, 4,10,000 है ना। तो इधर वैल्यू नहीं दिया ना जर्नल में, कितने का लेके जा रहा है इधर, है ना। इधर एसेट का वर्थ बोला था, क्या बोला था? वर्थ। तो इसमें क्या करेंगे अपन? यही वाला वैल्यू उठाएंगे, 4,20,000, 1,10,000। इंटेंजिबल एसेट नहीं लेंगे, इंटेंजिबल एसेट नहीं लेंगे। तो 4,20,000, 1,10,000। और कर्जा क्या है? डिबेंचर करेंट 50,000 और 1,00,000। और कितने का खरीदा बिजनेस? 3,50,000। तो इधर ना डेबिट वाला अमाउंट ज्यादा आ रहा है। क्या ज्यादा आ रहा है? डेबिट का आ रहा है कुछ 6,30,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? और ये कुछ आ रहा है 5,50,000। तो डेबिट ज्यादा है ना, तो फिर नीचे एक एंट्री डालेंगे कैपिटल रिजर्व। क्या डालेंगे? कैपिटल रिजर्व। अब क्रेडिट ज्यादा आएगा तो गुडविल। थोड़ा डोर बंद कर दो ना जरा। नहीं मतलब कैसे है, एसेट्स को ऊपर लिखते, लायबिलिटीज को किधर लिखते? नीचे लिखते। तो ये टोटल कितना? 6,30,000 है। कितना है ये? 30,000 नहीं है ये, 3,50,000 और 1,50,000, 5,00,000। तो क्या है, कितना है? 3,50,000 और 1,50,000 कितना होगा? 4,50,000, 1,50,000 और 3,50,000, 5,00,000। तो 30,000 नहीं है, मतलब डेबिट ज्यादा लिख ला। क्या ज्यादा लिख ला? डेबिट है। ये 5,30,000 है और ये 5,00,000 है, मतलब अपन ने 30,000 ज्यादा दे रहे। कितना ज्यादा दे रहे? 30,000। वो 30,000 लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। क्या लिखेंगे? देखो ना बिजनेस कितने का खरीदा, तो वो अमाउंट ज्यादा निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ज्यादा निकल रहा है। फिर इसके बाद पेमेंट की एंट्री आएगी, किसकी आएगी? तो विक्रांत को कितना दिया अपन ने? 3,50,000। तो शेयर्स और बैंक क्या लिखेंगे? तो शेयर से कितना दिया पुण्य वाले में? 2,62,500। और बैंक में कितना डालेंगे? 87,500। और टेबल में रिजर्व भी था। क्या था टेबल में? रिजर्व। कितना रिजर्व था? 10,000। तो इसको ट्रांसफर करेंगे ना। क्या करेंगे इसको? तो ट्रांसफर की एंट्री क्या है? Amalgamation Adjustment Account Debit। क्या आएगा? Amalgamation Adjustment Account Debit। 2 Statutory Reserve। क्या आएगा? 2 Statutory Reserve। कितना आएगा? 10,000। इधर क्या बोला था लास्ट में? Debenture of Vikrant was paid। ऊपर से बोलो। Debenture of Vikrant was paid। Paid मतलब? दिया। तो फिर Debenture of Vikrant को डेबिट करेंगे, 2 बैंक डालेंगे। Debenture of Vikrant को क्या करेंगे? डेबिट। और क्या डालेगा? 2 बैंक। अगर ये नहीं बोला रहता था एंट्री आती नहीं। अमाउंट यही है ना डिबेंचर्स का अमाउंट, अमाउंट पे किया। तो मेन लेजर था तुम्हारा, क्या था? लेजर। लेजर कैसे सॉल्व करने का वो बताया, इसमें एंट्री आ गई थी वो हेल्प कर दिया। तभी जर्नल एंट्री 20 मार्क का सम आने वाला, कितना आला? 20। पीसी राइट बन गया ना, तुमको अच्छा खासा मार्क मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। पोस्टिंग का तो मार्क्स मिलेगा, पर पीसी राइट निकाले तो सब अच्छे से हो जाएगा। तो हमने तुम्हारे लिए 20 प्लस सम सॉल्व कर लिया, अच्छे से चेक कर लो, रीड कर लो, ज़्यादा हार्ड नहीं, ठीक है।